आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3. नेम ऑफ चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक. द टॉपिक इज प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. अर्थात बच्चों, हम जानते हैं वूल से हम निटिंग करके स्वेटर, जर्सी, शॉल आदि प्राप्त करते हैं. तो वूल प्राप्त करने के लिए केवल यही नहीं है कि हम पशुओं से हेयर रिमूव करके उसको डायरेक्ट वीविंग के लिए कर लें, उससे निटिंग कर लें, ऐसा नहीं. इससे पहले हमें बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और इन प्रोसेस को वन से लेकर के 6 स्टेप में डिवाइड किया गया है. पहले स्टेप पे क्या करते हैं बच्चों? द फ्लैश ऑफ द सीप एलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड शियरिंग. अर्थात शियरिंग में क्या करते हैं बच्चों? यानी कि भेड़ों से उनकी त्वचा सहित पतली परत त्वचा की सहित उनके बालों को रिमूव कर लिया जाता है और इस प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों? शियरिंग. एक परिभाषा भी हो जाती है रिमूविंग द हेयर अलोंग विद द थिन स्किन इज कॉल्ड शियरिंग. बच्चों मशीन के थ्रू किया जा सकता है. ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हम लोग बार्बर शॉप पर अपने हेयर कटिंग कराते हैं और हेयर कटिंग कराते समय हमें कोई पेन नहीं होता, ऐसे ही एनिमल्स के हेयर रिमूव करने के समय उनका कोई भी पेन उनको फील नहीं होता. अर्थात बालों की कटाई के समय कोई पेन नहीं होता. सर रीज़न क्या है बच्चों? क्योंकि जो हमारे हेयर हैं वो डेड सेल के बने होते हैं, अर्थात मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, इसलिए उनको काटने में हमें कोई भी पेन नहीं होता. सेकेंड स्टेप देखिए, बालों की कटाई हो गई. द शियर्ड स्किन विद हेयर इज वास्ट इन द टैंक टू रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग. बच्चों स्कोरिंग भी मशीन के द्वारा किया जा सकता है, जैसे शियरिंग मशीन के थ्रू किया जा सकता है, ऐसे ही स्कोरिंग भी मशीन के थ्रू किया जा सकता है. और क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमने बाल उनसे काट लिए, रिमूव कर लिए एनिमल से, उसकी सफाई की जाएगी. है सफाई क्यों की जाती है? वाश क्यों करते हैं उनको टैंक में? ताकि उन पर ग्रीस लगी होती है, ऑयली डर्ट, डस्ट लगी होती है, धूल और गंदगियाँ लगी रहती हैं, तो उसको सफा करना जरूरी है बच्चों, कंपलसरी है. स्टेप 3rd, भाई स्कोरिंग कर लिया हमने स्टेप 2 में, अब स्टेप 3rd में आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. शॉर्टिंग द हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड. अर्थात हम अपने एम्स के अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग हेयर्स की छटाई करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं कि किस पर्पस के लिए हमें हेयर चाहिए. ठीक है, तो उनको छाटा जाता है, यानी कि छटाई को क्या कहते हैं? शॉर्टिंग. बालों की कटाई की, फिर उसके बाद धुलाई की, फिर उनकी छटाई की, 3rd स्टेप. अब बच्चों स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लैफी फाइबर कॉल्ड बर्स एंड दीज आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर है सम टाइम अपीयर ऑन अवर स्वेटर. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि कभी कभी हमारे वूल में दो मुख्य बाल भी होते हैं जिन्हें बर कहा जाता है, और ये एक तरह से क्वालिटी वूल की खराब करते हैं, इसलिए इनको रिमूव किया जाता है, रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं बालों से. ठीक है, और ये बर यदि नहीं करेंगे तो हमारे स्वेटर में दिखने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसके बाद हम पुनः स्कोरिंग करते हैं. स्कोरिंग का मतलब सफाई, धुलाई, फिर उनको ड्राई किया जाता है, सुखा
सुखाया जाता है। अब बच्चों स्टेप फाइव में बात यह है बच्चों कि बाल हमें बाजार में हर कलर के मिल जाते हैं, है वी फाइंड द हेयर इन एवरी कलर। लेकिन बच्चों नेचुरल देखा जाए तो ये कलर सभी कलरों में नहीं मिलते, केवल ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के हेयर शीप से मिलते हैं, भेड़ों से या जंतुओं से मिलते हैं। बाकी कलर तो हमें रंगाई के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें डाइंग हो गया, रंगाई हो गई इसमें, स्टेप नंबर फाइव। अब लास्ट स्टेप सिक्स पे आ जाएंगे, द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू यार्न। कह रहा है कि फाइबर को सीधा किया जाता है, स्ट्रेट का मतलब है सीधा करना, स्ट्रेटन का मतलब है सीधा करना, कॉम्ब का मतलब उनको उलझे हुए बालों को सीधा करना। जैसे कभी कभी बिना काढ़े हुए कंघे से हमारे बाल उलझे रहते हैं, तो बालों को सुलझाना होता है कॉम्ब करके, है कंघी करके, तो इसे कॉम्ब प्रोसेस कहते हैं। ऐसे इन बालों को जो उलझे हुए हैं उनको सुलझाया जाता है कॉम्ब करके। एंड रोल्ड इनटू यार्न, और फिर उनसे क्या बनाया जाता है बच्चों, धागा, रेशों को आपस में मिला करके क्या बनता है, यार्न, है अर्थात यार्न इज मेड बाय द फाइबर। अब बच्चों ये फाइबर्स जो है दो टाइप के होते हैं, जनरली लॉन्गर फाइबर और दूसरे शॉर्टर फाइबर। लॉन्गर फाइबर से हम स्वेटर आदि बनाते हैं बच्चों, शॉर्टर फाइबर से हम वुलन क्लोथ बनाते हैं। ये रहा सारे स्टेप बच्चों, वूल दोबारा सुनिए, वूल प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, है डायरेक्ट हम वूल को निटिंग के लिए नहीं कर सकते यूज, ठीक है। तो ये स्टेप 1-6 हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाता है बच्चों, रिमूविंग ऑफ द हेयर फ्रॉम द एनिमल्स, और इसे सीयरिंग कहते हैं। सेकेंड स्टेप में हम बच्चों इसकी धुलाई करते हैं, यानी सफाई करते हैं, समझे, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग, इस प्रोसेस का क्या नाम है, स्कोरिंग। थर्ड में हम देखते हैं कि उनकी छटाई की जाती है अपने यूजेस के आधार पर। फिर फोर्थ में बच्चों उनसे जो फ्लैफी फाइबर्स हैं इनको रिमूव किया जाता है, है ताकि उसमें कोई उसके टेक्सचर में कोई कमी ना रह पाए। स्टेप नंबर फाइव में ओनली ब्लैक, ब्राउन, वाइट कलर ही हमको शीप आदि से मिलते हैं, लेकिन उनकी रंगाई करके हम उनको हर कलर में अनेक प्रकार के कलरों में चेंज कर लेते हैं, डाइंग प्रोसेस आती है इसमें रंगाई यानी कि। सिक्स में बच्चों हम उनको जो उलझे हुए बाल हैं उनको स्ट्रेटन करते हैं, कॉम्ब करते हैं, है फिर उनको रोल्ड करके यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लॉन्गर फाइबर से स्वेटर और शॉर्टर फाइबर से हम वुलन क्लोथ बनाते हैं बच्चों। अब ये तो रहा कि भाई हमने एक ऊन का प्रोसेस कैसे किया, इसके बाद बच्चों एक तरह से ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी होते हैं, कुछ व्यवसाय में कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कहें कि एंथ्रेक्स डिजीज़ बहुत ही फैटल डिजीज़ है बच्चों, दोनों के लिए, एक तो शेपर्ड के लिए भी और दूसरा एनिमल्स के लिए भी, दोनों को इसका इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए ये बहुत ही फैटल डिजीज़ है। और किसके द्वारा होती है बच्चों, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से भयानक रोग है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें पशुओं का उपचार भी करना होता है यदि ये बीमारियाँ हो जाती हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 2। थैंक यू, इट इज़ एसेंशियल फॉर सीइंग द वीडियो।